हाय साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने जो बात किया था, जो आपका आखिरी क्वेश्चन हमने दे रखा था आपके लिए, बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है किस में व्यक्त की जाती है, दोस्तों 2016 में पूछा गया था। तो उसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों आपका एम्पियर आवर में। जी हाँ, बैटरी की जो क्षमता होती है वह एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं। दोस्तों यह जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वह ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड वालों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, सभी ट्रेड में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कहीं कंपनी में जाते हैं तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहे दोस्तों, आपको आखिरी में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार होता है। तो बाइनरी संख्या प्रणाली का जो आधार होता है दोस्तों वह आपका 2 होता है, और ऑक्टल नंबर का जो होता है दोस्तों वह 8 होता है, यह डेसिमल का 10 होता है दोस्तों, और हेक्सा डेसिमल का 16 होता है। तो राइट आंसर बाइनरी का दोस्तों आपका 2 राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक SCR के बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो SCR होता है वह किसका बना होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिलिकॉन का बना होता है, यह 2017 में पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको पुराने सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेटों में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब तक संयोजित होने वाला उपकरण निम्न हो, क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दोहरा विद्युत रोधित जब तक न हो, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण क्या है इसमें? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बिस्मथ। तो साथियों, आपके सभी सब्जेक्ट के क्लासेज जो है चल रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आप प्लेलिस्ट में सभी का क्लास जो है आप देख सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चुंबकीय पद करंट के वैद्युतिक पद के समान है? 2015 में पूछा गया है। तो कौन सा चुंबकीय पद पूछा है करंट के वैद्युतिक पद के समान है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, फ्लक्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी से कील निकालने के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है क्ला हैमर। जी हाँ दोस्तों, क्ला हैमर से हम लकड़ी से कील निकालते हैं। क्ला हैमर आपका ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फेशन को रोकने के लिए टर्मिनल पोस्ट पर कौन सी सामग्री लगाई जाती है? अगर हम आपको सल्फेशन बताएं तो दोस्तों बैटरी होती है, बैटरी के ऊपर दोस्तों जो आपके 2 ध्रुव बने होते हैं उसके ऊपर जो सल्फेशन होता है आप देखते हैं, उसके ऊपर अलग प्रकार की फफूंदी जम जाती है, तो उस पर हम क्या लगाते हैं ताकि ना हो? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पेट्रोलियम जेली। जी हाँ, उस पर हम पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होने से परिपथ को बचाने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जी हाँ साथियों, आप देखे होंगे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, तो इसको बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हम EMCB का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्यूशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? और यह क्वेश्चन आपका 15 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर इसमें से जो है दोस्तों वह होगा आपका फोम एक्सटिंग्विशर। जी हाँ दोस्तों, फोम एक्सटिंग्विशर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों, आपको अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के कार्य करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेती का नाम बताना है आपको। तो दोस्तों, लकड़ी में जो हम रेती प्रयोग करते हैं, जो फाइल प्रयोग करते हैं, वह होती है आपकी राजपकट फाइल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसे तैयार करके ही रखना। तो आइए हम आपको आखिरी क्वेश्चन देते हैं साथियों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए कैलिपर होता है। जी हाँ, अगर हमें कहीं स्लॉट की चौड़ाई मापना हो तो हम किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग करते हैं? यह 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन है भीतरी कैलिपर, बी है जैनिक कैलिपर, सी है विषमलिंग कैलिपर, और ऑप्शन डी है बाहरी कैलिपर। आपको इसका आंसर देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, हम अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। धन्यवाद।